नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण की। जो 33% आरक्षण का सवाल आया है, जिसमें मैंने एक वीडियो जारी भी किया, उस संबंध में सिर्फ एक लोकसभा के सीट्स के संबंध में हल्की सी बात मैं आज कहना चाहूँगा कि 20 सितंबर को जब डिबेट चल रहा था लोकसभा में, तो श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात की जानकारी दी कि अब तक, शुरू से लेकर अब तक, कुल 600 से ऊपर महिलाएं चुनकर आई हैं, जिनमें से मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 25 चुनकर आई। वर्तमान लोकसभा के संबंध में जो उन्होंने एक फिगर प्रस्तुत किया है, वह भी निश्चित तौर पर वैसी पार्टियों के लिए जो समाजवाद की बात करती हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, उनके लिए आंख खोलने वाला है। उनके अनुसार जो फिगर है उसमें उन्होंने कहा है कि जो कुल 543 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें जो उच्च जाति के सांसद हैं वो 232 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 120 हैं। मैंने जो इसे कैलकुलेट किया तो 120 आता है 22% कुल हाउस का, और 232 जो अपर कास्ट का है वो आता है 42। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने देश में जो हिंदुओं की उच्च जाति की आबादी है, वर्ष 1931 के जनगणना के मुताबिक वो 15% के आसपास आती है, तो इनके सांसद अभी भी इतनी जागृति के बाद भी, जब समाज काफी जग चुका है, इसके बावजूद भी उच्च जाति का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो लगभग 3 गुना है अपनी आबादी से, जबकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसकी 52% आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार है, उसमें सिर्फ 22% है, अर्थात 30% आबादी से कम है, जो कहिए कि आधा से भी कम है। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रिजर्व हैं, जिनमें कुछ महिलाएं। इस सदन में कुल 78 महिला सांसद हैं। मैं समझता हूं कि इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के महिला सांसदों की संख्या बहुत ही कम होगी, SC ST में भी बहुत ही कम होगी। अब जो ये विधेयक आया है, वो जो छनकर बातें आ रही हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो रिजर्व सीट हैं, उसमें इसको समंजित किया जाएगा, 33% जो महिला का सीट है, तो उसके अनुसार जो मैंने कैलकुलेट किया तो ये होता है कि 33% जो कुल 181 सीट जो रिजर्व होने जा रहा है 33% के अनुसार, उसमें 28 सीट होगी जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, तो बच जाएगा अनुसूचित जाति के लिए 84 में से 28 घटाने के बाद 56 सीट, जिसमें महिला पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकेंगे। अनुसूचित जनजाति के जो 47 सीट हैं, उसमें 33% में 16 सीट इसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, रेस्ट जो 31 सीट होगी उसमें महिला पुरुष दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार जो 181 से यह 44 सीट घटेगा तो बचेगा 137 सीट। इस 137 सीट पर जो महिलाओं की सीट होगी, उसमें उच्च जाति के लोग, सभी धर्मों की जो महिलाएं होंगी वो चुनाव लड़ सकती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं होंगी वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, और SC ST की भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा ये अनुरोध होगा, खासकर कांग्रेस पार्टी से और जो समाजवाद और सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जैसे मैं नाम बतलाना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों फैक्शंस,
निषाद पार्टी, भारतीय समाज पार्टी जो राजभर साहब की है, INLD, RLD, JJP, DMK, AIADMK, PMK, JDS जैसी पार्टियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोगों को निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव देना ही चाहिए, जैसा कि राज्यसभा में RJD ने किया है, कि इसे सेलेक्ट समिति में भेजा जाना चाहिए और सेलेक्ट समिति इस पर जरूर विचार करे कि जो महिलाओं का 33% सीट वाला है 181, इसमें से कम जैसे नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, तो चूंकि एक महिलाओं के लिए भी एक विशेष आरक्षण यह विशेष अवसर दिया जा रहा है, तो पिछड़े वर्ग के लिए भी यह कहकर निकल जाना कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, विधायिका में आरक्षण नहीं है, लोकसभा विधानसभा में नहीं है, इसलिए नहीं मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए आवश्यक जो संविधान संशोधन हो सकता है वो किया जाना चाहिए। जब माननीय गृह मंत्री जब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 1/3 सांसद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उन्हें यह भी बतलाना चाहिए देश को कि 543 में यदि वैसी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 120 सांसद हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो यह तो सिर्फ 22% है, तो टोटल फिगर पर ही काउंट होना चाहिए। तो अगर कम से कम 27% आरक्षण होगा तो वैसी परिस्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग को 49 सीट रिजर्व होगा, जो SC ST और OBC को मिलाकर 93 सीट हो जाएगा, उसके बाद जो 88 सीटें बचेगी तब उसमें सभी कैटेगरी की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। यदि ये 49 सीट कम से कम रिजर्व नहीं होता है अन्य पिछड़ा वर्ग का, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग में ही जो अल्पसंख्यक हैं वो भी जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें शामिल हैं वो भी आ जाएंगी, तो कम से कम महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व जो सामाजिक न्याय की हैं उनका हो सकेगा। अन्यथा आने वाले दिनों में मैंने जिन पार्टियों का नाम लिया उनके नेताओं को उनका कोर वोट बैंक है उनको उनके सामने में जाकर बात को रखने में उनको स्वयं कठिनाई होगी, और आने वाले समय में खुद जो इन पार्टियों के सभी बड़े नेता हैं उनको भी कल होकर अफसोस होगा, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं उनको भी निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनको भी बाद में चलकर इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा कि आखिर क्या होगा, चूंकि जो तस्वीर है उसमें नहीं लगता कि अन्य पिछड़ा वर्ग कि अगर उनको आरक्षण नहीं मिला, जैसे SC ST को अगर उनके ही कोटा में 33%, तब तो उनका चुनकर आ भी जाएंगी महिलाएं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक की जो पिछड़ी जातियां वो सम्मिलित होंगी, तब तो उनका प्रतिनिधित्व होना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए देश के हित में, सामाजिक न्याय के हित में मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार से कि इस पर विचार किया जाए, और सभी पार्टियों से इसे सिलेक्ट समिति में भेजकर इस पर कोई रास्ता निकालने की बात की जाए, तभी यह सबके हित की बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।